बाइट वाइट हो चुको। तो अभी ये वाला बैग निकला हुआ था, इसमें मुझे बहुत जोर से बाइट भी किए देखे, तो शुक्र है बच चुका हूँ। तो अभी यहाँ से बाइट जाने लगा था, ये देखे सुराख है ना ये वाला, तो यहाँ से बाइट निकल जाता तो नुकसान हो जाता हमारा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब ठीक है? आज गाइस अभी मेरा काकाटू बैठा हुआ था वहाँ, वो वहाँ, तो अभी मैंने ये पकड़ा, ये देखे वाइट वाइट हो चुका हूँ मैं, ये देखे सारा, ये देखे सारा वाइट वाइट हो चुका। तो अभी ये वाला बैग निकला हुआ था, इसमें मुझे बहुत जोर से बाइट भी किए देखे, चल झूठा, तो शुक्र है बच चुका हूँ। तो अभी यहाँ से बाइट जाने लगा था, ये देखे सुराख है ना ये वाला, तो यहाँ से बाइट निकल जाता तो नुकसान हो जाता हमारा। तो अभी मैंने इसको पकड़ लिया, तो खलूद हेलो को, हेलो अच्छा टिंटू को हेलो, मैंने आपको कहीं देखा है, चल हट थरकी। हेलो गाइस कैसे ठीक है? तो गाइस अभी मैंने उसको पकड़ लिया है, तो अभी अभी कार्गो से हमारी फीमेल मेल इसका आ रहा है, इसके मेल इसकी फीमेल आ रही है, उसका मेल आ रहा है, मैं भूल जाता हूँ, तो वो कार्गो में से आ रहे हैं, तो मैं वो आपको कल के व्लॉग में दिखा दूँगा। तो मैंने आपको कहा था हम रिजिला यहाँ कर देंगे, तो यार मेरी इतनी हाइट नहीं है ना, तो मेरा दिल ये डब्बा यहाँ रख के कल हम इंशाल्लाह कर देंगे इसके अंदर इन सारे पिंजरों को, जैसा ये रिंगनेक हो गया, ये हो गया, ये परिंदे हो गए, तो ये हम अंदर कर देंगे। ये बड़े परिंदे हैं तो ये बाहर ही रहेंगे, तो ये इनको बड़े केज चाहिए होते हैं, तो ये यहीं बैठे हुए। तो हमारा रुजीला शेड यहाँ ब्रीड भी कर रहे हैं, इसकी नेस्टिंग इसने की हुई है, ये देखें बॉक्स के अंदर जा रही है। तो ये वाला पेड़ भी बहुत खुश है। खलू आपने स्लीपर नहीं पहने ना? अच्छा टेंटू स्लीपर नहीं पहने ना, स्लीपर पहन के हो जाओ, वरना सुबह रात को ये दोनों निकले हुए थे, जैसा लग रहा था पीछे कोई चोर आ गया, ये एक ये और एक ये दोनों लड़ाइयाँ कर रहे थे, ऊपर चढ़े हुए थे। शुक्र है इस बल्ब में इन्होंने करंट नहीं खा लिया, इसमें करंट भी आता है। अभी मैं बाहर चलता हूँ और आपको लेक्टेक्स अपने सारे टेम बर्ड्स दिखाता हूँ, और मैंने आज उसकी शॉट भी बनाया अपने लेक्टेक्स का, वो आपने ज़रूर देखना है, उसको लाइक करना है, शेयर करना है हर किसी को। तो अभी मैं बाहर चलता हूँ, लू दो मैं अंदर जा रहा हूँ। अच्छा टिंटू आओ चलो। तो अभी मैंने अंदर आ चुका हूँ, ये माल्टे खा रहे, माल्टे ओए माल्टे क्यों खा रहे हो, भूख लगी, खोल दो इसको। तो ये हमारे सनकनोर बैठे हैं, ये लेक्टस है, लेक्टस अभी यहाँ नहीं था। तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, तो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ। हमारी स्कूटी का ना ये हैंडल ख़राब हो चुका है, ये देखें नीचे आ जाता है ऊपर चले जाता है, तो ये मैं अपने सामने शॉप से करवा लूँगा। तो ये देखें अभी ये भी हिलते हैं ये, तो इसलिए मैं ये नहीं चला रहा, क्योंकि ये शायद हैंडल इसका टूट ही ना जाए, टाइट करवाना पड़ेगा, टाइट करवा लेंगे, देखें कितनी साफ है। बस ये इसका ये गंदा हुआ है, ये कोई बात नहीं, कपड़ा मार देंगे। तो स्कूटी यहीं खड़ी रहती है, सुबह सुबह हम बाहर निकाल लेते हैं, रात को अंदर कर लेते हैं। तो हमारी साइकिल यहाँ खड़ी है, बाइक यहाँ खड़ा है। तो अभी मैंने अपना गार्डन भी सही करना है, तो हमने यहाँ से पौधे उतार दिए सारे, और हमारी ग्रीनरी भी निकल रही है, देखें ग्रीन ग्रीन हो रहा है। तो हमारा दिल है यहाँ सब्जियाँ लगा दें, ये यहाँ जगह पे, तो वो माली अंकल आएंगे वो लगा देंगे यहाँ पर, तो ये पौधे लगे रहेंगे जो अच्छे लग रहे हैं, और ये ड्रेक भी लगी रहेगी ये जो इतनी बड़ी है। तो ड्रेक का ये फ़ायदा होता है, जब गर्मी आती है ना तब सब्जी को धूप नहीं पड़ती है, ड्रेक कितनी अच्छी है ना, ये देखें बहुत छाँव करती थी अंदर गर्मियों में, आपको वो भी दिखाऊंगा। दिखाऊँगा कहाँ डोगी, माऊ बैठी है,
ये वाली वो बिल्ली नहीं है जिसने वो हमारा परिंदा मारा था, वो ब्लैक एंड व्हाइट है जो मैंने आपको दिखाई थी। ये जा रही है, ये जा रही है। अच्छा अच्छा चलो चलो। ओ अच्छा वो है, वो डॉगी जा रहा है, वो देखें वो सामने जा रहा है, वो आपको नजर आ रहेगा। तो हमारी निशान यहाँ खड़ी हुई है, हमारे दिल ये सेल करके हम कोई प्राडो वगैरह ले लें। तो अभी इसका इंटीरियर देखें कितना साफ हुआ है, बस बाहर से गंदी है। तो हम चलाते हैं ना, मेरे बाबा चलाते हैं, कहीं दूर ले जाते हैं तो मट्टी मट्टी हो जाती है ना, तो इसको हम वॉश भी कर लेंगे जब दिल होगा। तो ये देखो पर लगी हुई बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, जो ये चीज़ें ये किसी को चाहिए हो तो आपने हमें बता देने, ये आपको पूरी प्राडो का सामान मिल जाएगा। ये देखें पूरी प्राडो का सामान है, ये देखें इसकी डिग्गी है, आगे बोनट है, तो हमने यू करके रखा है सारा कुछ। तो अभी मैं इसको लेकर जाऊंगा, टाइट करवाऊंगा, सही हो जाएगी, फिर वो 20-30 रुपीज़ लेगा, मैं दे दूँगा, कोई बात नहीं। तो हमारा बाइक यहाँ खड़ा हुआ है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ को।